हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा दोस्तों, ये वीडियो UP SSC द्वारा आयोजित मंडी परिषद एग्जाम के रिगार्डिंग है दोस्तों। कि एग्जाम कब होगा दोस्तों, परीक्षा तिथि जो है वो संभावित तिथि जो है, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक दोस्तों पता चल रहा है, वो डेट यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले इस चीज़ को बता दिया, क्लियर कर दिया दोस्तों, कि आप लोग कोई भरम में न रहें, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। लेकिन हाँ, एकदम ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जब ऑफिशियल आएगा नोटिस के थ्रू, वही जहां तक रहेगा संभावित डेट, क्योंकि मेरे सूत्रों के मुताबिक यही पता चल रहा है। मैं लखनऊ में ही रहता हूं और मैं कार्यालय जाता रहता हूं अध्यक्ष सेवा चयन आयोग के, तो वहां से मैं बातें पता चलती रहती है जो छोटे अधिकारी होते हैं दोस्तों। तो वही संभावित डेट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ ही साथ मैं बताऊँगा आपको रणनीति तो कहाँ से क्या पढ़ना है दोस्तों, और बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक आप परचेज कर लीजिए, इससे आपको अच्छे से सफलता मिल सकती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाए तो आगे हमारा मार्च के बाद चुनाव के सारे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चुनाव के थ्रू, जब चुनाव हो रहा है या चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है दोस्तों, तो उसके अंदर ना कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है न्यू वैकेंसी का, और ना ही किसी वैकेंसी का एग्जाम हो सकता है, ना कोई रिजल्ट आ सकता है, ना कोई एडमिट कार्ड आ सकता है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है 3 महीने, यानी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जो जो एग्ज़ाम लगा हुआ, जो मंडी परिषद का एग्ज़ाम, चूँकि जो चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार यही चाह रही है कि जितने भी भर्तियाँ निकल चुकी हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी चुनाव से पहले करवा लिया जाए, ठीक है। वो केवल ना कि सेंट्रल, ना कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यही चाहती है कि जितने SSC के वगैरह भी जो एग्ज़ाम हैं वो सारे होना चाहते हैं, हो जाएंगे इसी आपके चुनाव से पहले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात किया जाए कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जो मुझे पता चल रहा है दोस्तों कि ये फरवरी के एंड तक होगा, ठीक है, फरवरी के एंड तक होगा, या फिर हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाए। क्योंकि इसका एक और रीज़न है, जो जो वहाँ पे स्टाफ होता है, जो टीचर्स होते हैं, जिनकी जिनकी गाड़ी लगती है क्लासरूम्स में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कंपटीटिव एग्ज़ाम होता है, तो वो खाली नहीं रहेंगे, इसके बाद उनको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाएगा चुनाव करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को ये सारी प्रक्रिया पता ही होगी, चुनाव में बहुत सारे टीचर्स जाते हैं एक दूसरे स्टेट में, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, चुनाव में ड्यूटी लग जाती है उनकी, तो इसलिए वो भी नहीं अवेलेबल रहेंगे। इसलिए फरवरी के एंड तक हो जाएगा आपका पेपर मंडी परिषद का दोस्तों, जहाँ तक है बहुत जल्द ही ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाला है दोस्तों। ये जो भी बता रहा हूँ एकदम पक्की खबर है, बस ऑफिशियल नोटिस जारी होने की देरी है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी तो आप खुद कहेंगे सर आप सही कह रहे थे दोस्तों, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी भर्तियां जो अध्यक्ष सेवा चयन आयोग की रुकी हुई थी उसके बारे में भी एक्सपेक्टेड कटा बताया था, वहां से जाके पता करके वो सही साबित हुई। नलकूप चालक का भी बताया था, वो भी इसका एग्जाम हो गया दोस्तों जनवरी में दोस्तों, मैंने खुद बताया था कि जनवरी के सेकेंड वीक तक हो जाएगा, और जनवरी के सेकंड वीक में हो भी गया 12 जनवरी को दोस्तों। तो जो भी खबर दे रहा हूँ पक्की खबर दे रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि इतने कम समय में, मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़्यादा अगर मान लिया जाए तो 1 महीने बचे हैं, 1 महीने भी नहीं है लेकिन सीधा सीधा ले लिया जाए तो 1 महीने हमारे पास बचे हैं। और 1 महीने में अगर ये बात किया जाए कि टाइम, तो टाइम पर्याप्त है, 1 महीना आप रिविज़न कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर दोस्तों मिशन UP SSC के नाम से क्लासेस चला रहा हूँ, डेली शाम 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है। मैंने इस तरीके से टाइम उसको शेड्यूल सेट किया है कि ताकि सभी छात्रों पढ़ सके, जो जॉब वगैरह करते हैं वो भी पढ़ सके, रात में सब लोग खाली रहते हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटा आपको देना है, 7 बजे से आपका हिंदी चलता है, ठीक है। ये कंबाइंड क्लासेस होती है मिशन UP SSC, जैसे कि आपने टाइटल में ही पढ़ा होगा, UP SSC की जितनी भी भर्तियां आ चुकी है, मंडी परिषद का हुआ, चकबंदी अधिकारी का हुआ, और जो आने वाली भर्तियां हैं लेखपाल की, चकबंदी लेखपाल की, ये कनिष्ठ सहायक की, इन सभी भर्तियों के लिए मैं कंबाइंड क्लास चला रहा हूं दोस्तों, मंडी परिषद के लिए खासकर, क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला है दोस्तों। तो मैं वो क्लासेस चला रहा हूं, 7 बजे हिंदी आती है, 8 बजे GK आता है, 9 बजे आपका ग्राम समाज एवं ग्राम विकास जो कि लेखपाल स्पेशल होता है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ भी आता है दोस्तों। उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, डेली 7 बजे से क्लास होती है, लाइव हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, 7 बजे हिंदी होती है, 8 बजे पहले से क्लासेस चल रही हैं। आप लोग चैनल पर जाइए, प्लीज़ चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले आप जब चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको जो पहला वीडियो डाला था उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, UP SSC मिशन के बारे में हमने क्लासेस चलाई है दोस्तों। इसका लक्ष्य है कि 2019 तक हमें जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि UP SSC की तरफ से तो 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, कुछ भर्तियाँ आ भी चुकी हैं, चकबंदी अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इनको मिलाकर 672 पद आ चुके हैं। लेखपाल का जस्ट जल्द ही जल्द आने वाला है दोस्तों। तो मिशन UP SSC के नाम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड प्रिपरेशन है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए, और जैसे जैसे भर्ती आ जाएगी मैं अलग अलग डिवाइड करता जाऊंगा आप लोगों को क्लास। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। बात किया जाए बेस्ट बुक्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया है घटना चक्र की बुक, अगर नहीं खरीदिए तो आप लोग खरीद लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ रहे हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन घटना चक्र बुक ऐसा है जिसमें कोई एरर नहीं होता, बहुत ही सटीक चीज़ें दी होती है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ घटना चक्र की बुक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये घटना चक्र का जो इनका 4 सेट में मंडी परिषद का आया है, पहला सेट ये है, देखिए 4 भागों में, प्रथम भाग है ये,
ठीक है, मंडी पर्षद स्पेशल है संयुक्त वर्ग के लिए प्रतियोगी प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु, तो ये है समान बुद्धि परीक्षण के लिए, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। ये बुक खरीद लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरी बुक आप लोग देख लीजिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी, ये भी मंडी पर्षद स्पेशल है संयुक्त घटना चक्र की है, ट्रस्टेड पब्लिकेशन है समान विज्ञान तथा अंकगणित, चूंकि आपका कंबाइंड रहेगा इसलिए कंबाइंड बुक भी इन्होंने बनाई है, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। साथ ही साथ आपका तीसरा जो बुक है वो हिंदी का है, ठीक है, समान हिंदी का मंडी पर्षद, ये भी घटना चक्र का है, ठीक है। इसका तीसरा दूसरा पार्ट जो है वो मुझे कवर पेज इसका नहीं मिला था, वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 125-30 रुपए की बुक है, एक एक बुक, बहुत महंगी बुक नहीं, आप लोग परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगा है, इसमें बहुत शॉर्ट नोट के तरीके से इसमें समझाया गया है, ना कि पूरा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। इसमें ऐसे एक पेज दिया गया है, उसमें संज्ञा बताई गई है, प्रत्यय उपसर्ग बताया गया, उसके बाद में उस पर छोटा छोटा जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, वो प्रश्न के बारे में बताया गया, यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो प्लीज़ इस बुक को जरूर खरीदिएगा अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं दोस्तों अपनी परीक्षा में। तो दोस्तों इसी का वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को इसे कितना आपको अच्छा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ 7 बजे से जरूर जुड़े, डेली लाइव क्लासेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं शाम 7 बजे क्लासेस में।